अच्छा, अभी हम लॉक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पर्सनल आइडेंटिटी एज आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, जागरूकता। हम सब अपने आइडेंटिटी से ही जाने जाते हैं, जैसे मेरा नाम दीपक है। थ्रो टाइम एंड ड्यूरेशन, आइडेंटिटी थ्रो मेमोरीज ऑफ पास्ट थॉट एंड एक्शन। इसमें भी हम रॉकी भाई, जो कि KGF मूवी के स्टार है, उसके हम एक्शन और कॉन्शियसनेस, उसकी आइडेंटिटी, विचारों से प्रभावित होकर ही उन्हें जानने लगे हैं कि पास्ट में क्या क्या एक्शन हुए हैं, कि जाने किस प्रकार से उसने अपने अपने जो एक मोटिव को लेकर चला था उसको कैसे पूरा किया। उसके पास्ट के विचार, जब वो कैमियो आता था ना रॉकी के इंट्रोडक्शन का, उसकी मॉम ने उसे ये एडवाइस दी थी कि सबको साथ लेकर चल, तू तू राज करेगा, उसको फॉलो किया है, वो उसकी सारी पास्ट की मेमोरी थी जिसने उसने कॉन्शियसनेसली इम्प्लाई किया अपने जीवन में और सफल हुआ। सफल हुआ और टाइम और ड्यूरेशन तो आपको जानते हैं, वो टाइम दिया गया था कि हमें इंडिपेंडेंस के आफ्टर कुछ सालों के बाद वो चल रहा है, 2000 साल 2000 ईयर से पीछे का वक्त चल रहा है, इस तरह से उन्होंने टाइम को भी शो किया था जब इंदिरा गांधी हमारी देश की प्रेसिडेंट थी, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, मुख्यमंत्री मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे। अब हैड वी नो मेमोरी, ये ह्यूम ने हमें बताया था, हैड यदि हमारे पास हैड वी नो मेमोरी वी नेवर शुड हैव एनी नोशन ऑफ कॉजेशन। अगर हमारे पास नहीं थे, अगर हमारे पास मेमोरी ना थी, ना हो फिर वी हैव नेवर शुड हैव एनी नोशन ऑफ कॉजेशन, हमारे पास किसी प्रकार की हमारे पास धारणा नहीं होगी, कारणों की धारणा नहीं बनती। नोशन का मतलब होता है धारणा, विचारधारा, ऑफ कॉजेशन। द चेन ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूट आवर सेल्फ एंड और पर्सन। अभी सबसे यार नोशन ऑफ कॉजेशन, हमारा जो मेमोरीज के साथ ही हमारे एक्शंस का, हमारी धारणा का निर्माण होता है। हमारे पास्ट मेमोरी कैसे गई वो हम पर इफेक्ट करती है हमारे आज पर। जिस तरह अभी कॉज है कि मैं बेरोजगार हुआ हूँ, अभी अभी ताजा ताजा, तो अभी मैं पहले प्रोफेसर था हिस्ट्री का, वैसे तो अब मेरे पास कुछ नहीं करने को, इसलिए मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ पर। ये कॉज है मेरी जॉबलेस होने का, कॉज मेरे आज पर इफेक्ट कर रहा है, अदरवाइज तो मैं क्लास में जो दूंगा, मैंने कभी भी ब्लैक बोर्ड के बगैर लेक्चर नहीं दिया। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोबल, ये है उसकी विशेषता या फीचर कह सकते हैं नोबल की। नोबल की वो टाइम और ड्यूरेशन को यूज करता था पर्सन को पर्सनीफाइड करने में, उसकी पर्सनैलिटी को शो करने में, उसकी लाइफ आम से खास में लेकर आते थे, पर्सनैलिटी का निखार लेकर आना, ये एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पर निखार लेकर आना, ये है इंडिविजुअल का असली फीचर। टाइम इज एसेंशियल कैटेगरी अप्रोच फाइंडिंग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। टाइम्स के साथ पीछे एक टाइम देना, अच्छा हिस्ट्री में जब भी हम किसी ऑथेंटिक सोर्स को तब मानते हैं जब उसके पीछे उसका टाइम, वैसे तो टाइम दिया हो, डेट्स प्रदान की गई हो और उसे लिखित रूप में जब आता है तब हम उसे ये मानते हैं कि ये हिस्टोरिकली फैक्ट है। उसी तरह से ज्यादा इंडिविजुअल को रियलिस्टिक दिखाने के लिए इन्होंने अपने टाइम, डेट ये सब प्रदान की, ताकि उसका बैकग्राउंड जो है ना वो थोड़ा ऑथेंटिक प्रतीत हो।
ये कुछ खास तो नहीं है इस पैरे में दिखाओगे असल लिखा हुआ है, पर फिर भी अभी हम फोर्स्टर एक अच्छा बहुत अच्छा लेखक है मॉडर्न एज का, उन्होंने पोर्ट्रेट हमारे जीवन को एक मानवीकरण या पिक्चर स्थापित की लाइफ की टाइम की, रेस द नोबल एंड नीड अल्ट्रा हिस्टोरिकल मॉडर्न मैन एंड लिटरली फ्रॉम कैपेबल बाय द डीलिंग विद द होल ऑफ लाइफ लाइफ बाय टाइम। इसका हमें प्रस्तुत किया है कि लाइफ अगर हम समय को गवाएंगे तब हमारा टाइम नहीं, हमें लाइफ को समय के अनुसार ही चलाना चाहिए। अब कोहेसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? कोहेसिव स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ऐसे करेक्टर जिसे हम बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि अगर यदि उसकी जरूरत ना पड़े तो हम उसे मार भी सकते हैं। अभी अब फिर से मैं रॉकी भाई की एग्जांपल देता हूँ, जैसे उसकी मदर मर गई थी कैंसर के कारण मरी थी, पर फिर भी मरी तो थी ना। जैसे जब वो व्हाइट लाइन क्रॉस करते थे उस लड़के को गोली मार दी, उसकी माँ को गोली मार दी। ये ग्रुप ऑफ करेक्टर्स में कुछ करेक्टर को हटा देना कहानी को आगे बढ़ाने के लिए या कहानी को इमोशनल करने के लिए कुछ करेक्टर्स को हटा देना, उसे कहते हैं कोहेसिव स्ट्रक्चर, मोर इम्पोर्टेंट इन इफेक्ट अपॉन करेक्टरिस्टिक ऑफ नोवल। हाँ देखिए, जब उस बच्ची के फादर ने रॉकी के लिए अपनी जान दे दी कि मेरी पत्नी को कुछ ना हो, होने वाले बच्चे को कुछ ना हो, मैं अपनी जान दे देता हूँ, रॉकी बच जाएगा और सिर्फ मेरी जान जाएगी, वो होता है कोसेसिव स्ट्रक्चर। वो करेक्टर पूरी तरह से हट गया, पर रॉकी के मन में एक धाव छिड़ गया कि अब मैंने इस बच्ची को बचाना है। लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट रेनेसांस एंड लिटरेचर, जो हमारा एंशिएंट रेनेसांस था उससे बहुत अलग था नोवेल में लिखा हुआ लिटरेचर। ये ऐसे था कि मानवीकरण किया है टाइम का, जैसे जैसे रथ में वो लग गया है, पर लग गए हैं। यूनिटी ऑफ टाइम एज द फंडामेंटल हिस्टोरिकल देयर फॉर द इक्वली टाइप टिपिकल गिवन टू अ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेम्परल डाइमेंशंस। ठीक है, टेम्परल डाइमेंशन होती है जिसका संबंध हमारे साथ ये जो प्रेजेंट लाइफ है उसके साथ नहीं होता, पर उस इंडिविजुअल के साथ होता है, जैसे कि KGF में रॉकी के साथ, वो भी एक टेम्परल डायमेंशन थी। ये होता है मतलब जैसे हमारे अवेंजर्स की डायमेंशंस अलग चलती है टाइम के साथ, पर वो है तो फिक्शन है, पर हमें इस प्रकार से दिखाया जाता है समय के प्रयोग से कि वो वास्तविकता में घटना हो रही है, हम उससे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये होता है ऐसे ऐसा फिक्शन दिखाना जो वास्तविकता उससे कोई प्रभाव नहीं है, का संबंध नहीं है, पर हम उसको रियलिटी में मानते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी इन देम सेल्फ तो इसमें यही दिखाया कि ये क्या है, टाइम क्या है, टाइम से हम उस पर्टिकुलर बंदे को अपनी मेमोरीज में याद कर सकते हैं कि इस टाइम पर उसने ऐसा किया था, वो बहुत अच्छा प्लेयर था। तो ये था इसमें अंदर द
आई इम्प्रेशन इज मोर स्ट्रांगली एंड कम्प्लीटली रियलाइज द रिचर्डसन केयरफुल लोकेटेड ऑल इवेंट अनप्रेजेंटेडली डिटेल टाइम स्कीम वी आर टोल्ड फॉर एग्जाम्पल दैट क्लारिशा डाइड एट 6:40 PM ऑन थर्सडे 7 नवंबर. देखिए टाइम भी दिया हुआ है, डेट ड्यूरेशन भी दिया हुआ है. ये है कि क्लारिया 6:30 पर मरी थी, दिन था वीरवार का और 7 सितंबर. इससे हम ये जान सकते थे कि हमारा इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है के साथ, वो कब मरी थी, किस दिन मरी थी, साथ ही साथ उसके कॉजेस क्या थे, मरने के क्या थे, इन सब से हम इमोशनली अट्रैक्ट होते हैं इस करेक्टर के साथ. इसके बाद स्पेस आ जाता है. स्पेस में भी यही है, किस प्रकार से एक करेक्टर को को रिलेटिव होता है टाइम के साथ. इंडिविजुअल डिफाइन द रेफरेंस ऑफ टू ऑर्डिनरी स्पेस एंड टाइम. टाइम कॉलरिज बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ टाइम ऑलवेज ब्लेंड द विद आइडिया ऑफ स्पेस. ये जो टाइम है ना, वो ऑलवेज झुक जाता है स्पेस की तरफ, ये मानना है कॉलरिज का. डिफॉय इज द फर्स्ट राइटर हु विजुअलाइज द होल ऑफ हिज नरेटिव थॉट कर एक्चुअल फिजिकल एनवायरनमेंट. We find wave, vibe, detail, Robinson cause and mole, flander, flounder, solidity and sitting is a particular notice of Defoe. Basically, हम ये जान सकते हैं कि जो time है, time के साथ जो space आती है, वो आता है physical environment के साथ. कि हमारा physical environment पीछे background में क्या चल रहा है. मॉरल एनवायरनमेंट कि हम किस स्थान पर किस प्रकार का एक्शन करते हैं. हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि प्लासी की बैटल हुई थी अपने सराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, वो टाइम के साथ साथ स्पेस कैसी बनती है. स्पेस यानी कि उस समय का हम यूनिवर्स कह सकते हैं. जैसे कि अपना जब एवेंजर एंड गेम में कैप्टन अमेरिका लड़े थे थैनोस के साथ, टाइम क्या था, प्रेजेंट. और